हरदा की शान गर्व प्रदान करने वाले मणिपुर के सुगमू मार्केट में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए, लेकिन बलिदान दिवस पर सरकारी अमले पार्टी द्वारा शहादत को भूलने की खबर सुन ठाकुर दीप सिंह चौहान की जन्मभूमि राता तलाई हरदा पहुंचकर महाराणा सेना हरदा रासोई इकाई सिराले गांव के लोगों ने ही पुष्पांजलि अर्पित कर उनकी शहादत को नमन किया। मालूम हो 20 सितंबर 2003 132 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल मणिपुर राज्य की सुगनू मार्केट जिला थोबाल में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 उग्रवादियों को मारकर चौहान देश के नाम शहीद हो गए थे। इस मौके पर अमर शहीद के परिवार के लोगों से मुलाकात कर स्मारक को नमन किया गया। शहीद की माताजी ने बेटे को याद करते हुए कहा कि युवाओं को प्रेरणा लेना चाहिए देश सेवा के लिए। शहीद हुई शहीद चौहान संदेश दे गए, सबसे पहले भारत माता है, ये भारत देश है, लोगों को ईमानदारी से कर्तव्य को निभाकर समाज और राष्ट्र की सेवा में अपनी भूमिका निभाना चाहिए। सुबह से परिवार गांव के लोग इंतजार करते रहे शहीद की, स्मारक पर बहुत लोग आएंगे, लेकिन सुबह से रात हो गई कोई नहीं आया। गांव एवं सामाजिक लोगों द्वारा ही बलिदान दिवस मनाया गया। गांव के लोगों ने कहा कि शहादत को भूल गए, मतलब कि वह वही के नाम असमय माला लेकर आ जाते हैं, लेकिन बलिदान दिवस पर भूलना लापरवाही है। शहीद के परिवार गांव के लोगों ने बताया, अमर शहीद के स्मारक का बुरा हाल हो रहा है, अब सिर्फ शहीद के सम्मान में औपचारिकता हो रही है, किसी का कोई ध्यान नहीं है। गांव के लोगों में नाराजगी देखी जा सकती। परिवार सहित गाँव के लोगों ने अपील की है अमर शहीद के स्मारक की देखरेख हेतु सरकार, जिला पंचायत, जिला प्रशासन का अब ध्यान कोई नहीं जाता। कहां गए अमर शहीद दीप सिंह चौहान को अपने जिले का गौरव शान बेटा बोलने वाले, बलिदान दिवस भूल गए। भटक रहे हैं लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं है, सब अपने से काम। अभी कोई मुख्यमंत्री का दौरा हो तो वही कलेक्टर और वही पूरा डिपार्टमेंट दौड़ता है, लेकिन आज राता तलाई में किसी का पता नहीं है। आज देखो जिसने इतना बड़ा योगदान दिया, आज लेकिन बड़े दुख की बात है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद। दुख तो होता है यार, कोई भी हो, अपन तो खुले आदमी, क्या नहीं सही बात।